और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। प्लीज मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो अपने टिकटॉक फॉलोअर्स को इंस्टा और यूट्यूब पर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही वो प्लेटफॉर्म है जहां लोग न सिर्फ अपना टैलेंट दिखा सकते हैं बल्कि अपने फैंस से इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। सरकार की जानिब से टिकटॉक पर बैन लगाने के बाद टिकटॉकर्स के पास कोई दूसरा चारा नहीं सिवाय इंस्टा और यूट्यूब के। कल तक YouTube वर्सेस TikTok में YouTube पर उंगली उठाने वाले आज लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको YouTube पर भी सब्सक्राइब करें। आपको बताते चलें कि इंडियन सरकार ने न सिर्फ TikTok बल्कि TikTok समेत 59 एप्लीकेशन को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी वजह भारतीय सरकार ने बताया है कि ये तमाम एप्लीकेशन यूजर्स का डेटा सेव नहीं रखती थी, जिसकी वजह से भारतीय सरकार इन पर बैन लगा रही है। आपको बताते चलें, ये खबर आने के बाद टिकटॉक ऐप कुछ ही देर तक प्ले स्टोर पर मौजूद था और यूज भी हो रहा था, इसलिए सारे टिकटॉकर्स ने अपने फैंस को इंस्टा पर आने का कहा, क्योंकि उनको मालूम था कि अब कुछ ही देर बाद टिकटॉक मुकम्मल बैन होने वाला है।